हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी जो क्लास एट का चैप्टर है उसका ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले ही इसी चैप्टर के हम दो पार्ट वीडियो पहले कवर कर चुके हैं और ये थर्ड पार्ट है। तो हमें यहाँ से पढ़ना है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो हमारे गवर्नर जनरल रहे थे 1773 से 1785 तक। और जब वो गवर्नर जनरल थे तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पावर एक्वायर कर ली थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पावर वगैरह इकट्ठा कर ली थी। सिर्फ बंगाल में ही नहीं पर बॉम्बे एंड मद्रास इन सारी जगहों पर भी उन्होंने अपना राज वगैरह कर दिया था। उसके बाद जैसे आजकल हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी कंट्री है उसको हम स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ही ब्रिटिश ने क्या किया था, अपनी टेरिटरीज़ को उन्होंने प्रेजिडेंसीज़ में कन्वर्ट, उनको यूनिट को डिवाइड किया था। और उस टाइप की जो तीन प्रेजिडेंसीज थी वो थी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये तीनों मेन यूनिट थी और इन तीनों को कौन होता राज करता था, एक यूनिट जैसे बंगाल है इसका कोई गवर्नर होगा, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, और इन तीनों गवर्नर का हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल। तो जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, जो कब बने थे 1773 में। और उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद आते गए वॉइसरॉयस। अब उसके बाद क्या होता है कि 1772 से एक नया सिस्टम आ जाता है जस्टिस का, जिसमें क्या होता है पहले इंडिया में एक ही कोर्ट होता था और उसके बाद जब ब्रिटिश आती है उन्होंने दो अलग अलग कोर्ट बना दिए। एक हो गया क्रिमिनल कोर्ट और जिसको हम कहते थे फौजदारी अदालत, और एक हो गया सिविल कोर्ट जिसको हम कहते थे दीवानी अदालत। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से कोर्ट को हम क्या कहते थे और डेट्स वगैरह भी। तो क्या होता था इनके अंदर जो हेड वगैरह बिठाए होते थे वो होते थे मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स। तो जो ये क्या करते थे, लॉज बनाते थे। तो हिंदू पंडित्स ने क्या किया, जो इनके लॉज वगैरह थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लॉज वगैरह लिखकर क्या किया, ब्रिटिश वगैरह लोगों को दे दिया और उन्होंने फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही सेम वहाँ पर कौन होते थे, काजी एंड मुफ्ती। काजी कौन होता था, जज, और जो मुफ्ती होता था वो पर्सन होता था कि वो देख रहा होता था कि काजी अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। और काजी और मुफ्ती के ऊपर जो हेड होता था वो होता था कलेक्टर। ये आपको एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पर, ये आप पढ़ लीजिए। जब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग पर केस कर दिया गया था, अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो कहते थे कि हमारे ये धर्मशास्त्र है, हमारे इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। तो क्या होता है कि 1775 में 11 पंडित्स को कहा गया कि आप अपने सारे रूल्स वगैरह, जितने भी आपके लॉज वगैरह है, आपके धर्म वगैरह के जो हैं ये, इन सबको आपने क्या करना है कि आप लिख कर एक बुक बना दो। और उसके बाद फिर जो NB ये जो बंदा है इसने क्या किया, उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। और वैसा ही सेम क्या हुआ 1778 में, मुस्लिम्स लॉ भी इन्होंने ऐसे कन्वर्ट किए। अब उसके बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसके अंडर क्या हुआ कि न्यू सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कहाँ पर, कलकत्ता में, जिसे हम कहते थे वो बनाया गया, और उसके साथ साथ बनाया गया सदर, दो मिनट, सदर निज़ामत अदालत, सदर निज़ामत अदालत कहाँ पर बनाया गया, ये कलकत्ता में। तो वहाँ पर कौन था, कलेक्टर। तो कलेक्टर का क्या काम होता है, उसकी मेन जॉब यही होती है कि उसे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना था, टैक्सेस कलेक्ट करने थे, और उसके साथ साथ उसको लॉज वगैरह जो ऑर्डर्स है डिस्ट्रिक्ट में उनकी मेंटेनेंस करना था। और वो किस किस की मदद ले सकता था, जजेस की, पुलिस की एंड दरोगास, जिनको हम दरोगास कहते थे। अब आगे कंपनी आर्मी। अब जो ब्रिटिश थे उनकी क्या खासियत थी कि जो उनकी आर्मी थी, उनकी जो मिलिट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज वगैरह थी। तो जो मुग़ल आर्मी होती है वो क्या होती है, वो किसकी बनी हुई थी, सवार्स की, जो ट्रेन सोल्जर होते हैं जो घोड़े वगैरह के ऊपर बैठते हैं, और पैदल चलने वाले सोल्जर्स की।
और उनको और किस किस की दी जाती थी ट्रेनिंग, तीरंदाजी की, आर्चरी की, और उसके साथ साथ उन्हें तलवार चलाना भी सिखाया जाता था। और जो मुग़ल आर्मी थी उसमें वो लोकल जो पीजेंट्स वगैरह होते थे उनको भी यूज़ कर सकते थे, ज़मींदार्स वगैरह इन सब का भी यूज़ कर लेते थे, और ये इन्हें क्या देते थे, पैदल सोल्जर्स देते थे। तो इनको क्या होता था कि मतलब इन्हें इतनी ज़्यादा इनकी मॉडर्नाइज या फिर ट्रेंड आर्मी वगैरह नहीं होती थी। अब एक चेंज आता है जब क्या होता है कि जो अवध के और बनारस के जो होते हैं नवाब्स वगैरह, वो स्टार्ट करते हैं पीजेंट्स को परमानेंट ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ देना प्रॉपरली एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। मतलब अब वो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने अब सेम मेथड ही अपनाया और उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया, जिसे वो क्या कहते थे, सिपाही आर्मी, जिसे हम इंडियन वर्ड का क्या मतलब है, सिपाही या फिर सोल्जर। तो ये कब होता है, 1820s में। अब कंपनी क्या करती थी, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि पैदल चलने वाली जो आर्मी थी वो तो काफ़ी अच्छी हो गई, और उसके साथ साथ क्या हुआ, अब जब ब्रिटिश एम्पायर की बर्मा में, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट वगैरह इन सब में फ़ाइट हो रही थी, तो वो जो यूज़ करते थे अपने साथ साथ जो टूल्स वगैरह यूज़ करते थे वो होते थे मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। तो ये दोनों एक ही तरह की गन्स होती है जो पुराने समय में यूज़ की जाती थी। उसके साथ साथ 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि यूनिफॉर्म वगैरह बनाना भी शुरू किया, और उनको फिर यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड ड्रिल वगैरह ये सब कुछ देना शुरू कर दिया। पर उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो इंडिया के लोग थे वो कास्टिज़म में वगैरह वगैरह में बटे हुए थे, तो उन सबका साथ में एक काम करना, उसके साथ डिसिप्लिन में रहना, अपने अपने धर्म को तो कोई छोड़ नहीं सकता था, उनको वो भी फॉलो करना पड़ता था, तो इसीलिए जो ब्रिटिश थी उनके लिए बहुत ही मुश्किल था अपनी सिपाही आर्मी वगैरह को मेंटेन करके रखना। और इसके बारे में हम एक रिवॉल्ट भी पढ़ेंगे जो आगे सिपाही वगैरह के कारण ही हुआ 1857 में, जो आप 5th चैप्टर में अपना पढ़ने वाले हैं। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं चैप्टर का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, अब उससे वो कन्वर्ट हो चुकी थी किसमें, जिसने हमारे पर राज करना शुरू कर दिया था, अब उसके पास पावर आ चुकी थी। उसके साथ साथ 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, उन्होंने नए नए चेंजेस आ गए, जैसे कि जो हम उनको ट्रैवल करने में सी के थ्रू क्या लग जाते थे, 6 से 8 महीने लग जाते थे, अब स्टीम शिप्स बनने लगी, तो जो जर्नी का टाइम था वो सिर्फ 3 हफ्ते ही होना शुरू हो गया, और वो जल्दी से अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ लेकर आ जाते थे इंडिया। 1857 तक क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसने आधे से ज़्यादा भारत का जो हिस्सा था वो सारा अपने अंडर कर लिया, और वो उस पर कंट्रोल करते थे, एक तरह से पूरा भारत ही उनके अंदर था। अब आगे पढ़ लेते हैं हम एल्सवेयर। इसमें क्या बताया कि स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, इसमें क्या होता है कि स्लेव ट्रेड क्या होता था कहाँ पर, एक हमें स्टोरी दी हुई है जो एक विजिटर है वो केप उधर जाता है, तो वो सोचते हैं कि वहाँ पर एनिमल्स वगैरह बेच रहे हैं, पर वो जब वैसे ही अपनी वो अपनी शिप वगैरह वहाँ पर रोकते हैं, खड़ा करते हैं वहाँ पर जो करते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि अंदर मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो जानवर, सोचते हैं कि जानवर यहाँ पर बेचे जाते हैं, पर जानवर की बजाय यहाँ पर इंसान बेचे जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि सारे रो रहे हैं, दुख है, दर्द है, मतलब वो सारे बहुत ही उदास हैं कि अपनी फैमिली से कोई इधर जा रहा है, किसी को उधर बेच रहे हैं, किसी को उधर बेच रहा है, और कुछ को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। और फिर वो स्टोरी बताते हैं कि एक फ़ीमेल थी, मम्मी थी, उसके 3 बच्चे थे, उन सबको अलग अलग बेच दिया गया, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और ये काम पर क्या की बात की हुई है, केप की बात की हुई है, केप टाउन एक जगह है अफ्रीका में। और उसके बाद अब ये जो स्लेव ट्रेड था ये कब ख़त्म हुआ था, 1834 में। और बस यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।